मैं मैं हमको गोवा जाना है, कोई फ्लाइट है? यू आर लेट सर, गोवा की आखिरी फ्लाइट 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है। अरे ओके ओके, दूसरी कोई फ्लाइट होगी? कल तक कोई फ्लाइट नहीं है सर। अरे कोई प्राइवेट प्लेन? नो सर। कोई नहीं? अरे बाबा, पापा जी जो आप क्या बोल रही है, प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना? लेटा हुआ है? किसके साथ, कहाँ लेटा है? सर हेलो, हेलो सर, हेलो मिस्टर ड्राइवर, सर उठाइए। अरे अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कुंभकर्ण भाई लागे छे भाई, एक अरे ड्राइवर, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, क्रैश 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 नहीं, क्रैक होगा। देखो आप लोग कौन हो यार? बमन नारी। सर हमें गोवा लेकर चलिए प्लीज। सॉरी आज मेरा हाफ डे। हमें गोवा ले तो चलिए, हम आपके हाफ डे को फुल डे कर देंगे। अरे नहीं बोला ना, मेरा ही बस। सर मना मत कीजिए सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में, गोवा के हॉस्पिटल में। चलिए ना सर, आपको आपकी माँ का वास्ता। माँ? माँ जो माँ मुझे पैदा होते ही छोड़ के चली गई उसका वास्ता देते हो? तुम्हारी माँ का वास्ता अपने पास ही रखो। माँ का नहीं, माँ का नहीं, मामा का वास्ता दिया था। मामा का वास्ता? I'll kill you। मेरा मामा कंस और शकुनी का भी बाप था, खाने को गाली और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं दिया कमीने ने, और ऐसे एक मामा का वास्ता दे रहे सारे। बाप का वास्ता दिया? बाप का वास्ता दिया? बाप का वास्ता मत देना, बाप का वास्ता मत देना, क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। मेरा घटिया बाप मेरी माँ को माँ बना के चला गया था, मालूम है? माँ को माँ बना के? अरे बिन ब्याही माँ यार। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो आई विल चॉप हिज, आई विल चॉप हिज लेग्स। सर आपको आपके इसका वास्ता दे सकते हैं? अरे यार ये क्या कह दिया तुम लोगों ने, क्या हुआ? अरे इसका वास्ता तो मुझे जन्म तक ले जा सकता है। बोलो दोस्तों कहाँ जाना है? आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। चेंज करना है, चेंज कर। मरवाएगा क्या? चेंज कर, चेंज कर यार। हिस्ट्री बुक ये क्या कर रहे हैं? अरे लड़की इधर आ, इधर आ। अरे इधर बैठ, बैठ सर, बैठ सर। अरे ये बमन कैसे हवाई जहाज उड़ाएगा? शट अप, यू शट अप। अरे पायलट साहब, अरे मिस्टर ड्राइवर, फिर से इमोशनल कर दिया ना तुमने, उस गाना चलाने की क्या जरूरत थी यार? अरे ये तो फिर से दारू पीने लग गया, ये सब तेरी वजह से हुआ। ड्राइवर तो बेहोश हो गया। क्या? अरे हेलो, अरे कोई
हेलो 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 नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, डी के मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहां। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो है यार। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन, मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक, आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है। हे, बकवास बंद कर, और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मौत! नहीं नहीं, मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है, है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। ठीक से सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है पर दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए, और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। हमारे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। थैंक गॉड, यहाँ पे रेड लाइट चालू है। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान हमसे जो पाप हुए हैं, उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण में। ए, ए, चुप, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है, और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। हमें मौत से छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। ए! क्या बात? जान मांग रहे हो? मैंने थोड़ी तुम्हें प्लेन में बिठाया यार। अबे हम भी तो हैं जो किसी की हेल्प नहीं मांगते, और तुम क्यों करते हो ऐसा काम कि किसी की हेल्प मांगने की जरूरत पड़े? अबे साइड आ!
बचा ये क्या हुआ? और रंग आ गया, रंग उतार उतार उतार